आज से लगभग 740 साल पहले 1280 ईस्वी में अफ्रीका की किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मनसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद ये माली साम्राज्य का शासक बना। मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अकूट संपदा थी। वो नमक और सोने के कारोबार का बादशाह था। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा की तब उसके काफिले में 80 ऊंट शामिल थे, जिसमें से हरेक पर लगभग 136 किलो सोना लदा हुआ था। जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता वहां देखने वाले भिखारियों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। अपने से पहले शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 में मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोपीय देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में था। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में मालियन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद इन्हें मनसा नाम की पदवी मिली, जिसका मतलब होता है सुल्तान, विजेता या सम्राट। मूसा के शासनकाल में समृद्ध साम्राज्य का फैलाव पश्चिमी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया, यहां तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान मेरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गीनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में भी प्रगति हुई। इससे वहां के लोगों के जीवन का स्तर भी सुधरा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। मूसा की सेना में 2,00,000 सैनिक शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना रखना आज के बड़े बड़े देशों के भी बस की बात नहीं है। 1324 ईस्वी तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। फिर इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हो गया। इस यात्रा में केवल राजा ही अकेला नहीं था, एक काफिला भी राजा मूसा के साथ साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवां में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। काफिले की लंबाई चौंकाने वाली है। हालांकि यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की सटीक संख्या के बारे में उचित दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्डों से यह अनुमान लगाया गया है। गरीबों में बांट दिया सोना। जहां जहां से मूसा का यह विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का यह काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहां के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उसके बाद एक दशक से भी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालियन सम्राट का प्रभाव रहा। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। वहीं एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण टिम्बकटू में भी मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिदें बनवाई। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया के बाकी देशों को भी मूसा की रईसी का पता चल चुका था। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लग गए। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा के हज यात्रा वाले विशाल काफिले के किस्से लोगों की जबान पर चढ़े रहे। माना जाता है कि 1337 ईस्वी के आसपास मूसा की मौत हुई। इन्हीं किस्सों ने मूसा को
ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मनसा मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रेस्कस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े ताज पहने सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें उस समय की जगहों को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपियन लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उनकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है। वहीं भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो ये रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।